Hey guys, कैसे आप लोग? I'm sure कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइज, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो है सर्च इंजिन के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम एक SEO एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सर्च इंजिन के 255 प्लस जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जो है SEO कर सकते हैं और इतने सारे जो फैक्टर्स हैं सर्च इंजन के उनके ऊपर में कैसे काम किया जा सकता है। सो बेसिकली इतने सारे फैक्टर्स पे काम करना वन बाय वन पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसीलिए इनको जो है तीन मेजर सेक्शंस के अंदर, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है और मैंने इस चीज को बहुत ही डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर बताया। अगर आप भी जो है एक SEO एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या फिर SEO को एज अ करियर लेना चाहते हैं या खुद एक वेबसाइट ओनर हैं और खुद SEO सीखना चाहते हैं, तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक, ताकि आपको जो पूरा इनडेप्थ जो है थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाए कि SEO किन पैरामीटर्स के ऊपर में करना पड़ता है। सो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। चलिए हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैं आपको यहाँ पे बता रहा था अबाउट दी SEO। सो बेसिकली अगर हम पूरे मार्केट शेयर की बात करें तो गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर करके रखा है अक्रॉस दी ग्लोब। सो गूगल एल्गोरिथम हैविंग मोर देन 255 फैक्टर्स, जिसके बेसिस के ऊपर में जो गूगल पे जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं तो जो नंबर वन पे दिखाई देती है वो नंबर वन पे या नंबर फाइव पे या नंबर टेन पे दिखाई देती है, वो बेस्ड ऑन दीज 255 प्लस जो फैक्टर्स हैं गूगल एल्गोरिदम के, उनके बेसिस के ऊपर में हमें वो दिखाई देता है। यानी कि जो सामने दिखाई दे रहा है उन्होंने यहाँ पे 255 फैक्टर्स से ज्यादा पे काम किया हुआ है, तभी वो क्वालिटी पेजेस हैं और जिससे यूजर को जो है बेनिफिट मिल रहा है, तो इसलिए वो जो है आपके नंबर वन पे लिस्ट कर रहे हैं। अब ये जितने भी 255 प्लस फैक्टर्स हैं गूगल एल्गोरिदम के, डेफिनेटली ये सारे के सारे जो है वो एक साथ अगर कोई इंप्लीमेंट करना चाहे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए ये सारे फैक्टर्स को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी हम बोलते हैं यहाँ पे टेक्निकल SEO, दूसरी कैटेगरी बोलते हैं ऑन पेज SEO, तीसरी कैटेगरी होती है ऑफ पेज SEO। अभी चलिए वन बाय वन करके इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। टेक्निकल SEO मींस व्हाट, ऑन पेज SEO का क्या मतलब होता है, ऑफ पेज SEO का क्या मतलब होता है। तो पहले टेक्निकल SEO, टेक्निकल SEO यानी कि फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट टेक्निकल एलिमेंट्स टू इम्प्रूव इट्स सर्च इंजन विजिबिलिटी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज की अगर बात करें तो यानी कि एक ऐसा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जो भी हमारी वेबसाइट है वो सर्च इंजन्स के अंदर जो है फास्ट अगर कहीं लिस्ट हो रही है तो हम यूजर जब हमारी वेबसाइट पे आए तो उसका एक्सपीरियंस खराब ना हो, तो ऐसे में जो है यहाँ पर उसकी स्पीड वगैरह जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो चलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो यहां पर है आपका की कंपोनेंट्स ऑफ टेक्निकल SEO इंक्लूड। तो पहला होता है वेबसाइट स्पीड एंड परफॉर्मेंस। लेट्स अज्यूम दैट कि अगर आप किसी वेबसाइट पे आप गए लेकिन वो वेबसाइट पे आपकी लोड ही नहीं हो रही, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो क्या आप उस वेबसाइट पे रहोगे? द आंसर इज नो, हम किसी दूसरी वेबसाइट पे जाना प्रेफर करेंगे। तो इसलिए आपका स्पीड एंड परफॉर्मेंस जो है आपकी वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन यानी कि मान लेते हैं कि आपने डेस्कटॉप की साइज डेस्कटॉप पे ओपन कर रहा हूं तो डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग वो यूजर फ्रेंडली है, एकदम स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं उसी वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन करूं तो मोबाइल पे भी वो बिल्कुल परफेक्ट ओपन होनी चाहिए एज पर मोबाइल स्क्रीन, तो जिसको हम यहां पे जो है बोलते हैं आपका रेस्पॉन्सिव। तो रेस्पॉन्सिवनेस होना जो है वेबसाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर नहीं है तो यूजर का एक्सपीरियंस जो है वो यहां पे खराब हो जाएगा और डेफिनेटली फिर वहां पर आपका यूजर जो है किसी दूसरी वेबसाइट पे जाना प्रेफर करेगा। फिर यहाँ पे जो क्रॉलेबिलिटी है, क्रॉलेबिलिटी कहने का मतलब है कि जब यूजर आ रहा है आपके माइट भी आपके जो वेबसाइट है उसके ऊपर में देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उसमें से जो है यूजर को सही जो आपकी प्रोडक्ट है जो भी प्रोडक्ट है उसको फाइंड आउट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली वो आपके प्रोडक्ट्स को जो भी उसको चाहिए वो आपकी वेबसाइट पर सर्च कर पाए। देन उसके बाद में यहाँ पे साइट स्ट्रक्चर एंड यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। सो
बेसिकली यहाँ पर जो है साइट का जो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होना चाहिए। पहला तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर इजीली उसको समझ पाए, और जो आपका यूआरएल के जो जो आप क्रिएट कर रहे हो यूआरएल, बेसिकली वो जो है आपके जो सर्च इंजिन्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमने डिफाइन करने चाहिए। जब हम टेक्निकल चीजों के ऊपर में प्रैक्टिकल करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर मैं ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। देन HTTPS एंड सिक्योरिटी, डेफिनेटली वेबसाइट की सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज जो है हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि सिक्योरिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं यूजर जो है वो अनसिक्योर फील करेंगे और आपकी वेबसाइट को एग्जिट कर जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं जो टेक्निकल एसईओ के अंदर कवर किए जाते हैं। नाउ लेट्स वर्क ऑन दी ऑन पेज एसईओ। जैसा कि इसका नाम है ऑन पेज एसईओ, यानी कि दी प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल वेब पेज टू इंप्रूव देयर सर्च इंजिन रैंकिंग एंड विजिबिलिटी, तो वो आपका ऑन पेज एसईओ। यानी कि आपकी वेबसाइट के अंदर देयर आर लॉट ऑफ पेजेस, राइट, आपके पास में 10 पेज हो सकते हैं, 20 पेज हो सकते हैं, 50 पेज हो सकते हैं, तो जो भी आपके पेजेस हैं उन पेजेस को नंबर, जरूरी नहीं कि आपने जो है पूरी वेबसाइट पे काम किया पूरी वेबसाइट आपकी जो है रैंक कर जाएगी, ये मैंडेटरी नहीं है। आपका कोई भी वेबसाइट का एक पेज भी जो है वो रैंक कर सकता है, तो इसलिए आपको जो है हर पेज के ऊपर में जो है एसईओ के जो प्रोसेस होता है वो इंप्लीमेंट करना होता है। तो चलिए कुछ की कंपोनेंट्स जो है ऑन पेज एसईओ के वो देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। पहला है कीवर्ड्स, जो यूजर सर्च कर रहा है क्या वो सारे कीवर्ड्स जो है जिससे ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, सर्च इंजन्स पे सर्च किया जा रहा है, क्या वो कीवर्ड्स मेरी वेब पेज के ऊपर में है या नहीं है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। हाई क्वालिटी कंटेंट, अगर उस पे कीवर्ड को आपने डाल दिया लेकिन उसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे आपके पेज के ऊपर में किसी पे ट्रैफिक आना शुरू हो गया लेकिन वहां पे अगर क्वालिटी कंटेंट नहीं है, देन इन दैट केस जो है यहाँ पे डिफिकल्टी ये हो जाएगी कि यूजर जो है क्योंकि क्वालिटी कंटेंट है उसको आप नहीं दे पा रहे हो तो एग्जिट कर जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। मेटा टैग्स, स्पेशली मेटा टैग्स जो है ये आपके एक टेक्निकल टर्म है, यू कैन सी ये एक यूजर को करने की जरूरत नहीं होती, बट आप अगर एक वेबसाइट ओनर हैं या एक एसईओ कर रहे हैं तो आपको मेटा टैग्स के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी होनी चाहिए कि मेटा टैग के अंदर टाइटल जो है, लिंक टैग है या फिर उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, राइट, काफी सारे टैग्स होते हैं, उन टैग्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए कि कहां पर क्या कॉन्टेंट जो है उसके अंदर फीड करना है। देन उसके बाद में हमारा आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ऐसा नहीं कि हम जो इमेज है वो डाल दी और उसको भी ऑप्टिमाइज नहीं करा, तो डेफिनेटली जो भी पेजेस के ऊपर में इमेजेस डाली जा रही हैं उनको भी ऑप्टिमाइज जो है हमें करना आना चाहिए, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज, जैसा इसका नाम है ऑफ पेज, यानी कि पेज पे कुछ नहीं करना, यानी कि वेबसाइट पे कुछ नहीं करना है। ऑफ पेज एसईओ जो है रेफर टू दी वेरियस स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स दैट डिजिटल मार्केटर एंड वेबसाइट ओनर यूज टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी एंड द रेपुटेशन ऑफ द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट आउटसाइड दी वेबसाइट इटसेल्फ। तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर में कुछ भी नहीं करते लेकिन अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं, और वो करते हैं हम सोशल मीडिया वेबसाइट जो हैं उनके ऊपर में करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट पे वहाँ से ट्रैफिक आ सके। और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंगेजमेंट है, लोग जो ज़्यादा डेली ऑन बेसिस पे जो टाइम स्पेंड करते हैं वो है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे अगर आपका भी लिस्ट आता है कहीं ना कहीं तो आपकी वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स जो है इंक्लूड होते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं बट हम यहाँ पे कुछ ही चीज़ों को कवरअप कर रहे हैं। तो पहला है आपका बैक लिंक। बैक लिंक एक ऐसा लिंक होता है जहाँ से आप किसी दूसरी वेबसाइट्स पे अपना जो है, चाहे गेस्ट पोस्टिंग्स हैं या फिर ब्लॉग पोस्टिंग्स वगैरह, हम किसी लाइक medium.com वगैरह ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर में हम क्या करते हैं, अपने आर्टिकल्स अपने कंटेंट को लिस्ट करते हैं और वहां से फिर हम बैकलिंक्स जो है वो लेते हैं। यानी कि बैकलिंक यानी कि एक ऐसा रूट जो हमारे उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक लाने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा होता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वहां से भी हम जो है अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आते हैं।
कंटेंट मार्केटिंग होती है, यानी कि जैसे कि मैंने बोला आपका ब्लॉग पोस्टिंग वगैरह है, गेस्ट पोस्टिंग्स वगैरह है, तो इससे क्या करते हैं हम कंटेंट मार्केटिंग कर, मतलब कंटेंट किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, तो वहां से हम जो है अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग जो मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक कंप्लीट एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 6 चीजों पे काम करना आना चाहिए। पहला, आपका जो कंपटीशन है और टारगेट जो आपके हैं, क्या कौन सा आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसको फाइंड आउट करना आना चाहिए। सेकंड, आपको उसके बेसिस के ऊपर में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं वो आपको रिसर्च करने आने चाहिए पहले। फिर उसके बाद में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना आना चाहिए, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना आना चाहिए, टेक्निकल एसईओ करना आना चाहिए। देन फाइनली, क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है एसईओ जो कि हमेशा ऑनगोइंग रहता है, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने 3 महीने एसईओ कर दिया अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको एसईओ जो है वो कंटिन्यू एक प्रोसेस है जिसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और ऐसे में कई सारी चीजें हम अपने वेब जो हमारे एसईओ के अंदर जो है वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो आपके काम नहीं करता। अगर काम नहीं कर रहा है तो कैसे पता चलेगा, हमें एनालिटिक्स से पता चलेगा। तो जो चीजें परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो उनको हटा के फिर हमने कुछ नया जो है कीवर्ड्स या जो भी नए टेक्निक्स हैं वो हमें यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं। तो ये आपके जो है यहाँ पे 6 ऐसे मेथड्स हैं जो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है बन जाते हैं एसईओ एक्सपर्ट। सो गाइज, आई होप कि ये जो एसईओ के बारे में मैंने आपको जानकारी दी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारा ये एसईओ का कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर उस पर क्लिक करके आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली सेल्फ स्टडी जो है वो ले सकते हैं, जिसके अंदर इसी तरीके से बहुत ही डिटेल के अंदर जो है कंप्लीट एसईओ का जो कोर्स है वो आपके लिए अवेलेबल है। तो गाइज, मैं मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।